पूरी तरह मामला स्पष्ट नहीं है कि ये गड़बड़ी अभ्यर्थियों के खुद के वजह से है या बीपीएससी की वजह से है, किस वजह से, या सर्वर जिसे अपलोड किया गया होगा उसके वजह से है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, ये भी हो सकता है। आप पता नहीं चलेगा तो कुछ बोलना उचित नहीं है। वैसे हम चेयरमैन सर से आग्रह करते हैं, मांग करते हैं कि इस पर वो संज्ञान लीजिए। बीपीएससी से परीक्षा हो रही है तो बीपीएससी से कोई धांधली सेटिंग अभी नहीं हो पाएगी, बहुत अच्छे से एग्जाम हुआ है और किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी, तो इसलिए निश्चिंत रहें अभ्यर्थी। और अगर उनको कोई जानकारी है किसी के बारे में, सेटर के बारे में, या फिर कोई जो अभ्यर्थी फर्जी है, तो जानकारी जरूर है बीपीएससी चेयरमैन सर को दीजिए। बिहार में शिक्षक नियुक्ति होनी है, लेकिन इससे पहले कई सारी विसंगतियां आ रही है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं शिक्षक नियुक्ति में जो शामिल हुए हैं, बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम दिए हैं, वो अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय पहुंच रहे हैं, ऐसे में ओएमआर सेट में काफी विसंगतियां आ रही है। हमारे साथ छात्रता दिलीप है, जुड़े हुए बात करेंगे। दिलीप, कई सारे अभ्यर्थियों का कॉल आपके पास भी आ रहा होगा, कई सारे अभ्यर्थी बीपीएससी पहुंच रहे हैं, विसंगतियां आ रही है, ओएमआर सेट में काफी गड़बड़ियां सामने निकल के अभ्यर्थी कह रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस गड़बड़ी को और विभाग को इसको लेकर क्या करना है? देखिए, अभी पूरी तरह मामला स्पष्ट नहीं है कि ये गड़बड़ी अभ्यर्थियों के खुद के वजह से है या बीपीएससी की वजह से है, किस वजह से, या सर्वर जिसे अपलोड किया गया होगा उसके वजह से है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, ये भी हो सकता है। कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से फॉर्म ही कोई भर रहे थे तो उसमें हो रहा था ना कि किसी के बदला दूसरा का अपलोड हो रहा है फोटो या साइन, तो हो सकता है इस तरह की कुछ गड़बड़ी हो। जब तक इस पर पूरा ये जाँच नहीं होगा, पता नहीं चलेगा तो कुछ बोलना उचित नहीं है। वैसे हम चेयरमैन सर से आग्रह करते हैं, मांग करते हैं कि इस पर वो संज्ञान लीजिए और देखिए कि क्या गड़बड़ी हुई है, क्या नहीं हुई, अभ्यर्थियों द्वारा जो आपत्ति की गई है उस पर संज्ञान लिया जाए। और लेंगे भी, बीपीएससी के चेयरमैन सर तो अभी एकदम लोकतांत्रिक हैं, लोकतांत्रिक अध्यक्ष हैं, वो लेंगे जरूर संज्ञान। जहाँ भी अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत है उसका समाधान अभ्यर्थी जरूर करेंगे। फर्जियों की बात हो रही है लगातार, फर्जी अभ्यर्थी कई इस बहाली में शामिल हो गए, उनको बाहर करने को लेकर अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। फर्जी अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे, बीपीएससी से परीक्षा हो रही है तो बीपीएससी से कोई धांधली सेटिंग अभी नहीं हो पाएगी, बहुत अच्छे से एग्जाम हुआ है और किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी, तो इसलिए निश्चिंत रहें अभ्यर्थी। और अगर उनको कोई जानकारी है किसी के बारे में, सेटर के बारे में, या फिर कोई जो अभ्यर्थी फर्जी है, तो जानकारी जरूर है बीपीएससी चेयरमैन सर को दीजिए, ईमेल कर दीजिए, ऑफिस जाकर बताइए, बिल्कुल जाइए। आर्थिक अपराध इकाई को भी आप दे सकते हैं, पुलिस का जो सरकार का तंत्र है उन सारे तंत्रों को आप दे सकते हैं, शिक्षा विभाग को बता सकते हैं। हालांकि शिक्षा विभाग पर तो हम लोग को भरोसा नहीं है, लेकिन बीपीएससी पर अभी भरोसा है, तो आप बीपीएससी को दीजिए, आर्थिक अपराध इकाई को दीजिए। तो ये सब अभ्यर्थियों को भी करना होगा। अभ्यर्थियों को क्या कहिएगा जाने? अभ्यर्थियों को हम यही कहेंगे कि आप दलालों के चक्कर में न फंसे, शिक्षा माफियाओं के चक्कर में न फंसे, और जो भी आपके पास जानकारी हो आर्थिक अपराध इकाई को भेजिए, बीपीएससी को भेजिए। जैसे अभी देखिए इसमें सिपाही भर्ती में बहुत सारा मामला हुआ है, बहुत सारे अभ्यर्थी अलग अलग जिला से हमें भी कॉल कर रहे थे, हमने कहा कि भाई आर्थिक अपराध इकाई को भेजिए, आप डरिए नहीं। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने भेजा भी है, तो हमने नंबर भी उनको दिया था आर्थिक अपराध इकाई का, भेजिए। आर्थिक अपराध इकाई ने तुरंत उस पर कार्रवाई किया है, तो इसलिए अभ्यर्थियों को डरना नहीं है, आर्थिक अपराध इकाई को भेजिए, बीपीएससी को भेजिए, अब डरिए बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, आर्थिक अपराध इकाई को भेजिए, बीपीएससी को भेजिए और डरिए नहीं। जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं ऐसे में क्या कुछ कह रहे थे ओएमआर सीट को लेकर छात्र तदलिप आपने सुना है, और तमाम खबरों के लिए एनबीसी 24 के साथ बने रहें। फर्जियों को बीपीएससी बाहर करेगा, ऐसे में जो फर्जी अभ्यर्थी हैं वो बाहर होंगे, क्योंकि पारदर्शिता के साथ पूरी परीक्षा बीपीएससी के द्वारा शिक्षक नियुक्ति को लेकर ली गई है। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की।